सो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायरेक्टर, लेजेंडरी डायरेक्टर, बिगेस्ट डायरेक्टर ऑफ द सेंचुरी अपने अज्ञातवास से फाइनली वापस आ गए हैं। ओम रावत। उठा के बाल्टी मारेगा, थोड़ा पानी नहीं मांगेगा। आदि पुरुष को रिलीज हुए तकरीबन एक साल से भी ज्यादा हो गया है और तब से ये महाशय अंडरग्राउंड हो गए थे। एंड फाइनली कल एक पॉडकास्ट के दौरान उनके दर्शन हुए हैं। एंड भाई आदि पुरुष के बाद कल जो इस इंटरव्यू में उन्होंने रायता फैलाया है ना भाई, जमकर धोया है प्रभास फैंस ने इस बंदे को और अब हम भी धोने वाले है। सो चलिए बताते हैं आपको कि क्या कुछ कहा है कल इस इंटरव्यू में ओम रावत ने, कि सुनोगे तो अगर आप प्रभास फैंस नहीं भी होना फिर भी आपका माथा घूम जाएगा। एंड किस तरीके से प्रभास फैंस ने सोशल मीडिया पर इस बंदे को धोया है, लेट्स चेक इट आउट। जैसे प्रभास असेल, सलमान सर असतील, दीज आर फ्लॉप प्रूफ स्टार्स। एक दोन चार प्लस मायनस झाले, मग सलमान सरांचे पण पिक्चर जर दोन चार प्लस मायनस झाले, इज अ फ्लॉप प्रूफ स्टार, काही फरक पडत नाही। हे एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी, मैं हूं एकता जानी। सो आदि पुरुष जैसा महा स्कैम करने के बाद एक साल से भी ज्यादा वक्त के लिए अंडरग्राउंड हुए आदि पुरुष के महान डायरेक्टर ओम रावत फाइनली कल एक पॉडकास्ट में दिखे और इस इंटरव्यू में क्या कुछ रायता फैलाया है ओम रावत ने और क्या कुछ कहा है आदि पुरुष के बारे में, प्रभास के बारे में एंड इवन सलमान खान के बारे में, पहले ये सुनिए आप, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये बंदा कहाँ कहाँ सही है और कहाँ कहाँ महागलत। तो कहते हैं प्रभास एंड सलमान खान आर फ्लॉप प्रूफ स्टार्स, नथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट प्रभास स्टारडम। मतलब कि प्रभास और सलमान खान आज के टाइम के ऐसे स्टार हैं ना कि अगर उनकी एक दो फिल्म फ्लॉप भी हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, उनका स्टारडम और उनकी फैन फॉलोइंग इतनी लॉयल है। चलो भाई ये बात तो सही है, क्योंकि देखिए बाहुबली के बाद अगर प्रभास की मूवीज देखो ना आप, तो साहो और राधे श्याम दोनों एवरेज या फ्लॉप रही। उसके बाद आई सलार। अब सलार टाइम किस तरीके का माहौल था ये तो पता ही है, क्लैश के कारण और नेगेटिव नैरेटिव्स के कारण सलार भी 1000 करोड़ तक नहीं पहुंची, 700 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई। तो उन सब के बाद एक कल की ऐसी मूवी है जिसे बाहुबली के बाद 1000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस किया हो। अब आदि पुरुष जैसे डिजास्टर देने के बाद कल की का एक ही साल में 1000 करोड़ क्रॉस कर लेना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये प्रभास का स्टारडम और उनकी मजबूत फैन फॉलोइंग ही है कि आदि पुरुष के बाद वो इतना जबरदस्त कमबैक कर पाए। सलमान खान की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से उनकी जो मूवीज आ रही है टाइगर 3, टाइगर जिंदा है जितना कमाल नहीं कर पाई, किसी का भाई किसी की जान लगभग फ्लॉप ही रही। और उसके बाद भी सलमान खान की अपकमिंग मूवी सिकंदर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फैंस। बॉलीवुड के टॉप के सुपरस्टार्स में उनकी गिनती होती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जो ओम रावत ने कहा है ना इस इंटरव्यू में, मैं लिटरली मेरा तो माथा घूम गया। क्या बात कर रहे हैं? वो आदि पुरुष को लेकर ये कहते हैं, वी डोंट नीड टू बदर टू मच अबाउट द फेसलेस आर्मी एंड ट्रोलर ऑफ सोशल मीडिया। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स फॉर अ मूवी इज बॉक्स ऑफिस, एंड आदि पुरुष डिड वेरी वेल ऑन बॉक्स ऑफिस। कब हो गया ये? ओम रावत के हिसाब से आदि पुरुष ने अपने फर्स्ट डे पर ही ऑल ओवर इंडिया से 70 करोड़ का कलेक्शन किया है। आदि पुरुष का लाइफ टाइम कलेक्शन वो 400 करोड़ बता रहे हैं, जिसमें 200 करोड़ तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गिना रहे हैं। अब बॉक्स ऑफिस नंबर और आदि पुरुष हिट रही या फ्लॉप इस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन मेरा पर पॉइंट ये है कि इस बंदे की हिम्मत तो देखो। ये बंदा ये कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही मैटर करता है। मतलब कि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को आपने सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए यूज किया, रामायण से आपके कोई इमोशंस नहीं जुड़े हैं, और अगर इमोशंस नहीं थे तो ये थिएटर्स में जा जाकर क्यों बोल रहे थे, क्यों ये नाटक कर रहे थे रो रो कर कि हर थिएटर में एक सीट खाली रखना हनुमान जी के लिए। मतलब हद है यार, कोई क्षण बची है या नहीं। अब छोड़ो इमोशंस की एक्सपेक्टेशन तो हम इनसे रख ही नहीं सकते, लेकिन जिस टॉपिक को आपने टच किया था ना वो रामायण था। इसका मतलब समझते हो, सनातन धर्म में ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, रामायण और गीता हमारे जीवन जीने का सलीका है। तो अब ऐसे किसी ग्रंथ को टच करते हो ना मूवी बनाने के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी भी इसको लेकर 100 गुना बढ़ जाती है। और जिस फेसलेस आर्मी और सोशल मीडिया ट्रोलर्स की आप बात कर रहे हो ना, कोई फेसलेस आर्मी नहीं थी, बड़े बड़े रेप्यूटेड चैनल्स ने आपकी बजाई है, बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने आप पर अपना रोष जताया है। और उस वक्त ना इंटरव्यूज में आपके पास कोई जवाब भी नहीं थे, भूल गए किस तरीके से बार बार आप और आपकी टीम अपना स्टेटमेंट चेंज किया करते थे। रिलीज से पहले आप कहते थे कि हमने डिट्टो वही रामायण बनाई है जो बचपन से आपने पढ़ी है या सुनी है। एंड जब रिलीज के बाद सबने आप पर गुस्सा जताया तो आप अपने स्टेटमेंट से पलट गए और ये कहने लगे कि भाई हमने रामायण कहाँ बनाई है, हमने तो रामायण से प्रेरित होकर ये मूवी बनाई है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई ये कोई सिंपल सी कॉमर्शियल मूवी नहीं थी कि भाई चली तो चली वरना कोई बात नहीं, बजट तो निकल गया। रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ था ये, और आप ये कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे बॉक्स ऑफिस नंबर ही मैटर करता है। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा स्टेटमेंट देते हुए, भाई आप अज्ञातवास से बाहर आए क्यों, किसको आपकी जरूरत थी। ऊपर से बाहर आके पुराना गुस्सा और पुराने जख्म और ताजा कर दिए। एंड ये प्रभास के स्टारडम की जो बात कर रहे हैं ना कि भाई प्रभास के स्टारडम को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके फैंस लॉयल है, आदि पुरुष जैसी मूवी देने के बाद भी देखो
देखो ना, कल्कि ने 1000 करोड़ क्रॉस कर ही लिए ना। अबे पागल, उस बंदे को आदि पुरुष से लेकर अब तक कितना झेलना पड़ा है उसका अंदाजा भी है आपको? किस मेंटल स्ट्रेस से गुजरे है वो आप सोच भी नहीं सकते। ऑलरेडी वो उस वक्त नी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। यार आप सबके लिए पैसा ही सब कुछ है क्या? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही मैटर करता है, इमोशंस कुछ नहीं। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। अब आदि पुरुष की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात निकाली है उन्होंने, तो चलिए आज उसकी भी सच्चाई बता ही देते हैं। आदि पुरुष का पहले बजट था 500 करोड़, फिर इसका टीजर रिवील हुआ जो लोगों को इतना पसंद नहीं आया। लोगों के गुस्से को देखते हुए इन लोगों ने ये कहा कि हम सुधार कर वापस से मूवी बनाएंगे, जिसमें इन लोगों ने ये कहा कि इन सारे सुधार में 100 करोड़ बजट में और जुड़ गए हैं, मतलब कि टोटल इसका बजट हुआ 600 करोड़। और ये मूवी कमाई कितना है पता है? 350 करोड़। और वो भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की प्रभास की जो टेरिटरी है ना, उसकी वजह से 200 करोड़ तो सिर्फ उसी के ऐड हुए है। बात करते हैं हिट और फ्लॉप की। भाई आदि पुरुष को ना ऑफिशियली फ्लॉप का टैग मिल गया है। यार इस सोम रात को बेवकूफ कहूँ या बेशरम कुछ समझ में नहीं आता। आपको समझ में आता है तो आप बताइए, उनके स्टेटमेंट पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे ब्रेक के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।